पोको के F5 डिवाइस के लिए यहाँ पे अनदर पिक्सल ओएस का एक लेटेस्ट अपडेट आ चुका है जो कि मैं यूज कर रहा हूँ 1 डे से। और यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें देखने को मिलती है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। बस जरूरत है आपको लास्ट तक वॉच करने की ताकि आप ये डिसाइड कर पाओ कि ये जो नया अपडेट है आपको करना चाहिए या फिर नहीं। और कुछ ऐसी चीज़ें भी है जो कि नेक्स्ट अपडेट में आपको देखने को मिलने वाले इस पिक्सल ओएस के साथ। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और लास्ट में आपको इंस्टॉलेशन भी बता दूंगा अगर आप इसे इंस्टॉल करना चाहते हो अपने फ़ोन के अंदर। यहाँ पे आपको जो देखने को मिल जाते हैं अनलॉकिंग एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा सही रहता है, साथ साथ स्मूथनेस आपको काफ़ी सही मिलता है जैसा कि पिक्सल में आपको देखने को मिलता है सेम उसी तरीके से। तो इससे रिलेटेड आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कैमरा यहाँ पे आपको लाइका का देखने को मिल जाता है जो कि डिफॉल्ट हाइपरोस का कैमरा बन चुका है आज के टाइम पे, और ये आपका प्रॉपर काम करता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन यहाँ पे 4K का आपको जो 30 देखने को मिलता है 60 नहीं मिलता जैसा कि ऑफिशियली हमें जो देखने को मिलता है। अनदर यहाँ पे VCR दिया गया है तो कॉल रिकॉर्डिंग में आपको दिक्कत नहीं आने वाली, सामने वाले को पता नहीं चलेगा। तो गूगल डायलर हो या ना हो आपको इससे रिलेटेड टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। वापस आते हैं सेटिंग के अंदर, तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि इसके अबाउट सेशन में आपको एंड्रॉयड 15 देखने को मिलता है जो कि लास्ट टाइम भी था, और 5 अप्रैल का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच यहाँ पे ऐड किया गया है जो कि अच्छी बात है। बाकी यहाँ पे कर्नल और बिल्ड नंबर वगैरह आप यहाँ पे देख ही सकते हो जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बैक की ओर आते हैं तो यहाँ पे जो कस्टमाइजेशन की बात करें तो वही सिमिलर कस्टमाइजेशन मिलता है जिसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है क्योंकि पिक्सल काफ़ी लिमिटेड कस्टमाइजेशन के साथ आता है। ज़्यादा ये प्रोवाइड करने की कोशिश करता है स्टेबिलिटी और स्मूथनेस परफॉर्मेंस वगैरह जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, लेकिन स्टिल कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको लगेगा कि भाई होती तो ज़्यादा बेटर होती, तो वो चीज़ें भी मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे नोटिफिकेशन कूल डाउन का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, मोड्स का भी फीचर्स आपको देखने को मिल जाता है, सिस्टम डायग्नोसिस का जो एंड्रॉयड 15 का नया फीचर्स है वो सभी में देखने को मिल रहा है, और गेम बार भी यहाँ पे ऐड किया गया है तो गेमिंग के टाइम पे आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। कई सारी चीज़ों के ऊपर आप नज़र रख पाओगे। यहाँ पे आपको एडवांस बूट मेनू यानी एडवांस रीस्टार्ट ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, और बाकी कॉमन से सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलते हैं जो कि प्रॉपर काम करता है। अगर आपको परफॉर्मेंस बूस्ट करना है तो इसकी हेल्प से आप परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकते हो, और ये रियली में हेल्पफुल रहता है जो कि मैं आगे आपको दिखाऊंगा कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट ये देता है। बाकी यहाँ पे वही सारे बेसिक से चीज़ें आपको देखने को मिलेगी जिसमें कोई खास यहाँ पे बदलाव नहीं आया। और ये जो HBM है इसमें नया UI ऐड किया गया है जिसमें कई सारे आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि पहले सिंपल HBM का ऑप्शन हुआ करता था, तो यहाँ पे इसके अंदर है जो चेंज आ गया है। और साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि आगे जो आने वाला अपडेट है उसमें डॉल्बी आपको इंक्लूड मिलने वाला है, बट स्टिल अभी ये मिसिंग आपको देखने को मिल जाता है। तो सिस्टम डिफॉल्ट ही आपको जो आउटपुट मिलता है वही है, एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन नहीं दिया गया ऑडियो के लिए। लेकिन आउटपुट कैसा है वो मैं आपको यहाँ पे सुना देता हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाए। और कुछ लोग कंप्लेन भी करते हैं कि कस्टम रोम के अंदर बॉटम का स्पीकर तो काम करता है बट टॉप का डेड रहता है, तो ये भी चीज़ आप यहाँ पे सुन लेना, आउटपुट भी आपको एक अच्छा खासा आइडिया पता चल जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ पे आइडिया लग चुका है इसके आउटपुट के बारे में कि क्या कुछ कैसे देखने को मिलता है। रही बात यहाँ पे परफॉर्मेंस वगैरह कैसा निकल के आता है उसके ऊपर एक नज़र डालते हैं जो कि आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें जो बता देगा सिर्फ परफॉर्मेंस से ही। तो स्विच कर लेंगे हम गैलरी के ऊपर जहाँ पे सारे टेस्ट रिजल्ट मैंने जो रख रखे हैं। तो कैमरा वगैरह हमने चेक किया है, कैमरा हमारा प्रॉपर काम करता है, इसमें नो इशूज। यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट टाइम का जो कि हमारा यहाँ पे है जो अनटूट स्कोर है जो कि एक नॉर्मल सा देखने को मिलता है। लेकिन जैसे वन डे कंप्लीट होता है मैं प्रोफाइल का यूज करता हूँ परफॉर्मेंस बूस्ट करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि यहाँ पे हमारा जो अनटूट स्कोर है काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड हुआ है और काफ़ी अच्छा स्कोर देखने को मिलता है, जैसे कि नॉर्मली इस डिवाइस के अंदर आपको टॉप नॉच वाला स्कोर नजर आता है। वहीं पे बात करें गीकबेंच की तो देख सकते हो स्टार्टिंग तो काफ़ी अच्छा है, मैक्स 4 लाख का है लेकिन मिनिमम यहाँ पे टोटल कट जाता है। लेकिन वन डे के बाद यहाँ पे जब मैं इसे यूज करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, 3,99,000 मैक्स देखने को मिला है और मिनिमम यहाँ पे 3,53,000 का परसेंटेज, और ग्राफ काफ़ी ज़्यादा स्टेबल देखने को मिलता है। तो रियली में वन डे के बाद रोम स्टेबल होता है और परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट नजर आता है। वहीं पे गीकबेंच की बात करते हैं तो ये वन डे के बाद ही मैंने चेक किया था, जहाँ पे आप देख सकते हो गीकबेंच के भी स्कोर काफ़ी अच्छे हैं, टॉप नॉच आपको देखने को मिलते हैं, तो इससे रिलेटेड आपको शिकायत नहीं होने वाली जो कि परफॉर्मेंस के बारे में है। वहीं पे बात करें हम बैटरी ड्रॉप की तो आप देख सकते हो यहाँ पे 76 के बाद मॉर्निंग में आता है 73, जहाँ पे 3% का बैटरी ड्रॉप हुआ है 9 hours 47 10 आवर्स के आसपास में, जो कि मैं कहूँगा कि ठीक है, कोई खास ज़्यादा ड्रॉप नहीं है। यहाँ पे गेमिंग में आपको एक्सट्रीम प्लस देखने को मिल जाता है, अल्ट्रा एक्सट्रीम का ऑप्शन अनलॉक नहीं है क्योंकि एक पिक्सल ओएस है जहाँ पे ज़्यादा कस्टमाइजेशन आपको नहीं मिलते हैं, तो ओवरऑल ठीक आपको मिल जाता है।
साथ साथ फोटो स्टोरेज यहाँ पे आपको अनलॉक मिलता है, तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने मिली। लेकिन यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक ही पास मिलता है, जबकि यहाँ पे डिवाइस का है वो फेल मिलता है। तो इसे आपको मैनुअली पास करना पड़ेगा अपने डिवाइस को रूट करने के बाद, क्योंकि ये जो पिक्सल वॉइस अभी ऑफिशियल नहीं है और ऑफिशियल के अंदर ये चीज़ें जो फिक्स आपको देखने को मिल रही है, अनऑफिशियल में आपको मैनुअल करना पड़ेगा। बट मे बी आने वाले टाइम में ये चीज़ फिक्स हो जाएगी, बट अभी स्टिल अगर आपको इसकी नीड है तो रूट यूजर्स बनना पड़ेगा। और यहाँ पे जो बूटलॉस फुक्स वगैरह का ऑप्शन आप फाइंड करते हो वो चीज़ यहाँ पे नहीं रहता, आपको नॉर्मली देखने को मिल जाएगा बूटलॉस अनलॉक इस रोम को डालने के बाद। और रही बार डालना कैसे, तो मैं आपको इंस्टॉलेशन गाइड शो कर देता हूँ, जिससे आप डिसाइड कर पाओगे कि इसे डाल सकते हैं किस तरीके से और किस तरीके से नहीं। वीडियो अच्छा लगा है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट आपको मिलते रहे। फोन के ऑफ होते ही पावर टर्न एंड वॉल्यूम डाउन को लॉन्ग प्रेस करना है, जिससे आपका फोन फास्ट बूट लोगो शो कर देगा। अब आपको अपने फोन को पीसी से कनेक्ट करना है, सारे इंपॉर्टेंट फाइलें रिक्वायर्ड जो भी उसे आपको प्लेटफॉर्म टूल के अंदर मूव कर लेना है और सीएमडी कमांड को ओपन करना है। सीएमडी कमांड जैसे ही ओपन होता है आपको या तो पहले ड्राइवर चेक करने के लिए कमांड रन कर देना है, या फिर डायरेक्ट TWRP ऑरेंज फॉक्स इंस्टॉलेशन का जो भी आपका सपोर्टेड कमांड है वो आपको टाइप करना है, और अपना TWRP ऑरेंज फॉक्स का इमेज फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है और फ्लैश कर देना है। जो भी रिक्वायर्ड रिकवरी रहेगा वही यूज करना है। उसके बाद कमांड डालना है रिबूट टू रिकवरी का, जिससे आपका फोन रिबूट कर जाएगा रिकवरी के अंदर। और अब रिकवरी से आपको ब्राउज करना है क्या, आपकी सपोर्टेड फाइल को वन बाय वन करके सेलेक्ट करते जाओ, फ्लैश करते जाओ, और मे बी अगर फ्लैशिंग के दौरान कोई भी एरर आता है तो ऐसे में रिबूट टू रिकवरी करो और रोम को फिर से रीफ्लैश कर लो। और रिबूट टू रिकवरी के टाइम पे मे बी आपका है जो TWRP या ऑरेंज फॉक्स रिप्लेस होकर डिफरेंट रिकवरी शो कर सकता है, तो वैसे कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, उस रोम को नए रिकवरी के साथ दोबारा रीफ्लैश कर दो। अगर रीफ्लैश प्रॉपर हो चुका है तो आप डायरेक्ट फॉर्मेट करके रिबूट कर लो, आपका जो भी OS है वो बूट कर जाएगा विदाउट किसी इशूज के। बस आपको ध्यान रखना है कि जो भी फ्लैश कर रहे हो वो प्रॉपर फ्लैश हो जाए, कोई भी एरर ना आए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।